हेलो फ्रेंड्स, शीलास किचन में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आज हम बनाएंगे उड़द दाल के पकौड़े। उड़द दाल के पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक गिलास उड़द की दाल, जो कि धुली वाली है, बिना छिलके वाली है, इसे मैंने 4 घंटे भिगा करके रख दिया था। इसके बाद इसे पीस लिया। दाल पीस कर इस प्रकार का पेस्ट तैयार हुआ। पकौड़े बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, हरी मिर्ची कटी हुई, हरी धनिया कटी हुई, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और पकौड़े तलने के लिए तेल। पकौड़े के घोल में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम तलेंगे। कढ़ाही में तेल गरम हो गया है, घोल भी तैयार है, तो चलिए बनाते हैं उड़द के पकोड़े। छोटे छोटे से भजिए जैसे तोड़ते जाएंगे, एक दूसरे से ज़्यादा सटा करके नहीं डालना है, थोड़ा दूर ही डालना है। थोड़ी देर बाद इसे पलटेंगे, थोड़ी देर से इसको पलट देना है। जब नीचे की परत सिक जाए तभी पलटना है। पकौड़े सिक गए हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म उड़द के पकौड़े तैयार हैं और मेरे शहर में बहुत तेज बारिश भी हो रही है, तो हम तो इन पकौड़ों का लुत्फ उठाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।